दोस्तों फाइनली पिछले कल 1 तारीख थी और पवनदीप राजन से जुड़ी अब वो खबर सामने आ चुकी है जिसका इंतजार पवनदीप के फैंस कई दिनों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से कर रहे थे। जी हां, आपको बता दें कि जो पिक्चर आप इस वक्त देख रहे हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिक्चर है। आखिर पवनदीप राजन यहां क्यों गए थे, आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पवनदीप राजन ने क्यों अटेंड की, इसी से जुड़ी आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट और एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पवनदीप राजन की बहन ज्योतिदीप राजन अब इंडियन आइडल सीजन 13 में नहीं आ रही हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पवनदीप राजन ने 1 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों अटेंड की और किस लिए अटेंड की, आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। दरअसल आपको याद ही होगा कि हमने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि पवनदीप राजन अब सिंगिंग के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी बन चुके हैं। जो गाना पवनदीप राजन ने कंपोज किया है वो गाना इंडो नेपाल मूवी के लिए कंपोज किया है। तो आपको बता दें कि अब ये गाना जिस मूवी के लिए पवनदीप राजन ने कंपोज किया है उस मूवी का ट्रेलर पिछले कल रिलीज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस मूवी का ट्रेलर कल रिलीज हुआ है उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पवनदीप राजन गए हुए थे। आपको बता दें कि ये मूवी यानी जिसका नाम प्रेम गीत 3 है वो हिंदी में भी रिलीज करने वाले हैं और इंडिया में भी इसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वेल दोस्तों, अगर आपने इस ट्रेलर को देखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।